हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है डाइस रीडिंग है, और जिसमें हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स, ठीक है, आज और अभी की करंट फीलिंग्स। ओके यूनिवर्स, मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, हो सके तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम दोहराओ, ठीक है, अपना नहीं, आपके पार्टनर का। फिर आपकी एनर्जीज़ आती है तो आप लोग नाराज़ होते हो कि दीदी ये तो हमारी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, सिर्फ अपना नाम, सॉरी अपने पार्टनर का नाम दोहराओ। ओके, तीन बार या सात बार, तीन या सात बार। ओके यूनिवर्स, मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, जिनका नाम दोहरा रहे हैं, उनके पार्टनर की आज की करंट भावनाएं इनके लिए क्या है? ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो टॉरस एनर्जी के हो सकते हैं, एक्यूरस एनर्जी के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सिंह राशि है, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी हो सकती है। नंबर पाँच और तीन का इंपॉर्टेंस बहुत स्ट्रांग है आप लोग के पार्टनर और आपके बीच में। हो सकता है इस टाइम पे आपके बर्थ डेट्स मैच होते हैं, या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप लोग दोनों के एनिवर्सरीज हो सकते हैं इस दिन पे। आप लोग दोनों के बीच में मुझे जहाँ तक आपके पार्टनर की करंट भावनाएं दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली रिग्रेट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में जो इशूज़ हुए हैं। आप लोग दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से आप एक बोलते ना, चीज़ें बदल गई हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर ना आपको समझ पा रहे हैं ना आप अपने पार्टनर को समझ पा रहे हैं। रहना दोनों एक दूसरे के साथ चाहते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को एक साथ देखना चाहते हो। लिटरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी भी इंटरेस्टेड है आपका साथ देने में, आपके साथ आगे बढ़ने में। बट मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है एक प्लेयर एनर्जी की, आपके पार्टनर में एक प्लेयर एनर्जी है, जिसके वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में या तो ऑन एंड ऑफ की स्थिति बहुत बनती है, बार बार ये रिश्ते में वो आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, ऐसी कोई स्थिति बनती है, या इनको बहुत मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ये एकदम से अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं, एकदम से इनका व्यवहार, इनका बोलते ना नेचर बदल जाता है, एकदम से इनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, या एकदम से बहुत लविंग, गिविंग, केयरिंग हो जाते हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। अब ये थर्ड पार्टी आप में से कुछ लोगों के लिए उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिनसे वो आपके बारे में बातें शेयर करते हैं। ऐसे चांसेस हैं कि उनमें से कोई उनको इन्फ्लुएंस भी कर रहा है थोड़ा सा आपसे अगेंस्ट रहने के लिए या आपसे दूर रहने के लिए। दूर रहने का मतलब मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई उनको परमानेंटली आपसे दूर करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं कोई उनको सिखा रहा है कि देख यार उसको तूने सर पे चढ़ाया है, अब तू ऐसा बिहेव कर, थोड़ा उससे बात मत कर, थोड़ा उसको लाइक इस तरीके की एनर्जी, जहाँ पर वो उसको गाइड कर रहे हैं कि देख लाइफ वैसे भी तेरी कितनी ट्रबल कर दी है, लाइक इस तरीके की छोटी छोटी बातें उनको बोली जा रही हैं, जिनसे उनका माइंड कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ले रहा है और वो उसी तरीके से बिहेव भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर में काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अभी भी इमोशनल अटैचमेंट डेफिनेटली है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी स्थिति में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि या तो ये एक्शन नहीं लेते, या तो ये कमिटेड नहीं रहते आपके प्रति, या तो ये कमिटमेंट नहीं दे पाते, या तो ये आपके लिए जो एक्शन, सर्टन एक्शन आप रिक्वायर्ड समझते हैं कि इनको लेनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में इनको डिफेंड करना चाहिए, आपके लिए लड़ना चाहिए, वो चीज़ें ये करते नहीं, इस तरीके की एनर्जी है, जिसकी वजह से आपको इनके ऊपर बहुत गुस्सा भी आता है। आप इनसे नाराज़ होकर भी कई कई बार माफ़ कर लेते हो, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर आपके पार्टनर ने आपको थोड़ा सा भी अच्छे से बिहेव किया तो आप बहुत अच्छे से नॉर्मल हो जाते हो, मतलब आप एकदम उनको माफ़ करके वापस चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हो। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, प्लेयर एनर्जी का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लोगों से उठना बैठना रखते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसे ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिनसे उनको नहीं बात करनी चाहिए, जिनसे उनको ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे लोगों से बात करके आपको हर्ट कर देते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली अटैच होने के बाद भी आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत अपसेट हो जाते हैं इन चीज़ों को देखकर। मुझे एक और चीज़ ऐसे भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर पिछले कुछ दिनों से ट्रैवलिंग का कोई प्लान बना रहे हैं, ये या तो घर शिफ्ट कर रहे हैं, या तो ये ऑफिस कोई शिफ्ट कर रहे हैं, या ये कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हैं, कहीं ट्रैवलिंग का प्लान चल रहा है, कहीं जाने की तैयारी है, क्योंकि बैग पैकिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सामान वगैरह लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, तो तैयारी पूरी है कहीं बाहर जाने की, कहीं ना कहीं प्लान है, ये पूरी तरह से बाहर जा रहे हैं। और ऐसे चांसेस स्ट्रांग है कि इनकी फैमिली के साथ हो सकता है ये जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे सोलो ट्रिप नहीं दिखाई दे रही, ये मुझे फैमिली के साथ कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपनी फैमिली को लेकर, लड़का या लड़की है जो भी आपके पार्टनर, कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनके अगर आसपास फैमिली नहीं है तो ये फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, पर ये जाएंगे ज़रूर, ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि ये कहीं बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली ऐसा है कि फ़िलहाल
ये एक ऐसी एनर्जी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फिश नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपके प्रति सोचते हैं, बट अगर आप इमोशनली छोटी सी भी बातें कर रहे हैं, कोई भी इनको बात कह के इनको एहसास करवा रहे हैं कि देखो तुमने मुझे यहाँ हर्ट किया, तुम्हें वहाँ ऐसा मुझे तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए थी, या तुम देखो मेरा कितना दिल दुखाते हो, तो वो चीज़ सुनते ही ये अपना सर खुजाने लगते हैं और इनको लगता है कि अरे यार कितना पका रही है और कितना परेशान कर रही है, ये सोचकर चले जाते हैं। ये आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाते, या तो ये आप इनको कुछ बोल रहे हो तो सुनना नहीं चाहते। अगर आपके पार्टनर कहीं और किसी बंधन में बंध गए तो ये वहाँ इस वक्त ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपको जैसे कि लेकर एकदम से डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज में ऐसे स्ट्रॉन्ग चांसेस भी हो सकते हैं कि आपको एकदम से लगे कि यार इनका अचानक से इतना बदलना कोई ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं है, बट मैं कहूँगी ब्लैक मैजिक नहीं है, ये आपके पार्टनर की इमेच्योरिटी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि वो बहुत अच्छे से आपको समझ चुके हैं कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आपका कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनको छोड़ दें, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में इतनी ज़्यादा मजबूती रही है और हमेशा आप बहुत आसानी से, जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत आसानी से मान जाते हो। आपको ज़्यादा टाइम इनसे दूर रहना या ज़्यादा टाइम इनसे नाराज़ रहकर गुस्सा करना, ये आपको आता ही नहीं है। आप इनसे मतलब दूर रहकर बिल्कुल जल्दी तकलीफ़ महसूस करने लगते हैं, इसीलिए ये बात बहुत अच्छे से जानते हुए ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हुए, ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऐसे होते हुए कि ठीक है यार 4 दिन की नाराज़गी फिर सुधर जाएंगे, 6 महीने हैं ठीक है, 7वें महीने बात करेंगे। ईगो बहुत है, ठीक है, ईगो बहुत है, सॉरी नहीं बोल पाते, और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप की। ये अगर सॉरी बोलते हैं तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, लेकिन ये सॉरी भी नहीं बोल पाते, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ मैं बात करूँ, आपके पार्टनर फ़िलहाल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ टाइम तक अपनी फ्रीडम को इन्जॉय करना चाहते हैं, फ़िलहाल कुछ टाइम तक ये अपनी ज़िंदगी में अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त इनको अपने फाइनेंसेस की भी कोई परवाह नहीं, अपने पैसों की भी इनको कोई चिंता नहीं है। इस वक्त इनकी लाइक ऐसा एक माइंडसेट है जहाँ पर ये खुलकर जीना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे कोई इनको रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, बांध रहा था, किसी ने इनको बहुत घुटन दे दी थी और ये उससे आज़ाद हुए हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा अब खुश हैं और इन्जॉय करने के मूड में हैं। कहीं ना कहीं इनके दोस्तों से भी इनको बार बार यही कहने को मिल रहा है, यार थोड़ा टाइम छोड़ दे, ये कहीं ना कहीं सुधर जाएंगे, उसके बाद तुम बात करना। तो ये एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है इस चीज़ से कि यार आपके पार्टनर कहीं गए नहीं हैं, ये एक टेम्प्ररी फेज़ है जहाँ पर ये एकदम से बदल जाएंगे और फिर से चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी आप दोनों के बीच में, लेकिन ये टेम्प्ररी जो फेज़ है इससे आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जिससे आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इनको एहसास नहीं हो पा रहा कि आप कितनी ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं इनकी वजह से। हो सकता है आप दोनों के बीच में 1 साल से ज़्यादा हो चुका है बात नहीं करके, क्योंकि स्टॉकिंग एनर्जी बहुत है, स्टॉक करते हैं ये आपको, आपकी जानकारी आज भी रखते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है तो कहीं ना कहीं ये अब अपनी ज़िंदगी में ऐसे हो गए हैं कि ठीक है यार मैंने ऑलरेडी बहुत करना था कर लिया, अब मुझे भी जीने का अधिकार है, मेरे को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। ये कुछ टाइम तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा ही बिहेव करने वाले हैं, थोड़ा सा बच्चों जैसी एनर्जी है, बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये आपको मिस नहीं करते, तो ये देखो ये आपको याद करते हैं, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इनका ईगो बहुत बड़े लेवल का इशू बन चुका है, जिसमें इनको झुकना नहीं आता, सॉरी बोलना नहीं आता, या अपने मन से जब होता है तो इनको आ जाना है, अपने मन से जब इनको चाहिए तो सब चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, लाइक अपने मन के मालिक ज़्यादा हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपको लेकर ज़्यादा जो रिस्पेक्ट इनको आपकी करनी चाहिए इस रिश्ते में, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपकी कदर, आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए, कि इनको जो समझ एक डर होना चाहिए, वो डर इनके अंदर नहीं है इस समय, वो डर नहीं है। और वो डर आपको दिलाने के लिए क्या करना चाहिए, वो मैं सिंपल सी एक चीज़ आप लोगों को गाइड करूँगी कि जितना हो सके, मैं बहुत ही आसानी और सरल से शब्दों में हर बार समझाती हूँ, ये सेम चीज़ ही मैं कहूँगी, जितना हो सके जैसे ये जी रहे हैं, जैसे ये अपनी एनर्जीज़ में आ रहे हैं, ये घूम रहे हैं, अपने आसपास की एनर्जी को इन्जॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उसी एनर्जी में ढलना होगा। एक चीज़ आप इमेजिन करके देखो, मैं सिंपल सा आपको लैंग्वेज समझा रही हूँ। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत खुश देखते हो, घूमते हुए देख रहे हो, या किसी और बोलते हैं ना फ्रेंड्स लोगों से बात करते हुए देख रहे हो, कोई फ़ोटो आपके सामने आ जाए, कोई स्टेटस आपके सामने आ जाए, आपको हर्ट होता है या नहीं होता? आपको दुख होता है, आपको लगता है कि शिट यार ये इंसान ने ऐसा क्यों किया, मुझे कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप और स्टॉक करने लगते हो, थोड़ा टाइम तक आप रेस्टलेस रहते हो, आपको नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, डिप्रेसिव एनर्जी रहती है, आप गुस्से में तो ये सोचते हो कि अब इससे मैं कभी बात नहीं करूँगी, पर कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि यार हाउ डेयर ही, इसने कैसे ऐसा किया, ये कितना मेरा मतलब कितना मेरा मन ख़राब किया, कितना मेरा दिल तोड़ा, क्या मैं ये डिज़र्व करती थी, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है, राइट? अक्सर होता है जब किसी रिलेशनशिप में हम अपने पार्टनर को, इस बात से हमको दुख नहीं होता कि वो खुश क्यों है, खुश है, लेकिन वो हमारे बिना खुश क्यों है, इस बात से हमें दुख ज़्यादा होता है कि हमारे बिना यार आज हम उसके साथ नहीं हैं तो वो खुश क्यों है।
आज हम उसके आसपास नहीं है तो हैप्पी क्यों है वो, तो ये चीज़ें हमको बुरी लगती है, राइट। सेम पैटर्न आप लोगों के लिए अप्लाई किया जाता है। वही चीज़ें मैं आप लोगों को हमेशा से समझाती आई हूँ कि सेल्फ लव की प्रैक्टिस शुरू कर दो। जब आप खुश रहना शुरू करते हैं, जब आप अपनी एनर्जीज में आते हैं, आपके अकाउंट्स में, आपकी एक्टिविटीज़ में, यहाँ वहाँ से उनको जो चीज़ें पता चलती हैं, उससे उनकी डेस्परेशन बढ़ जाती है। उससे उनको लगता है कि शिट यार, ये तो आगे बढ़ रही है, ये तो आगे बढ़ रहा है, अब मुझे इस इंसान को वापस लाना होगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि डर, खौफ सब पैदा हो जाता है। आपके पार्टनर में आपको वो डर जब आप बिठाओगे, तब जाके वो आपकी इज्जत करना सीखेंगे। और वो डर का मतलब ये नहीं कि आप बाहर एकदम से चले गए और यहाँ वहाँ खुश रहे तो ये डर गए, नहीं। पहले उनकी तड़प होगी, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक करने की या सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, बट आप आसानी से जब कन्विंस नहीं होंगे, तब उन्हें इस बात का ये दिन याद रह जाएगा कि यार मैंने इसको बहुत मनाया था, पर ये इंसान ना कन्विंस ही नहीं हो रहे थे। एक सेकेंड, समवन इज ऑन डोर, एक मिनट, कोई आया? हेलो, या एक्चुअली मेरी मदर थे, कुछ काम था उनको। कहीं ना कहीं इसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप अपने जीवन में नॉर्मल हो जाते हैं ना, उसके बाद भी आपको एग्जैक्टली जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना होता है। देखो, ये फॉर्म ना किसी किसी को समझ में नहीं आता। जब मैं लोगों को कहती हूँ डिटैच हो जाओ, सेल्फ लव करो, तो ये चीज़ें ना काफ़ी लोगों के समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं, करना क्या है। तो मैं बहुत सिंपल भाव में समझा रही हूँ कि जब आप अपनी एनर्जीज में आते हैं, आप खुश रहते हैं, कहीं ना कहीं सामने वाले को इस बात से इफ़ेक्ट होता है। आपको लगता है वो उस इंसान की तरफ से आपने सालों साल का रिश्ता बनाया था, वो आसानी से ख़त्म हुआ, ऐसा नहीं होता। जिस इंसान के साथ आप करीबन एक साल भी रहे हो ना, तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट पैदा कर लेता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम सच्चा प्यार, सीरियस प्यार हो जाता है, नहीं, पर एक इमोशनल अटैचमेंट ये हो जाता है जाके, जहाँ पे हम दूसरे के प्रति अडिक्टेड हो जाते हैं। एक ऐसा लगता है कि नहीं, इसके बारे में हमें जानना है। रोज़ रोज़ अगर आप किसी फ्रेंड को देखो और अचानक से वो फ्रेंड बात करना बंद कर दे, आपको तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? आपको लगेगा ना कि चीज़ें क्या हो गई, एकदम से कॉम्प्लिकेटेड क्यों? आप उनको देखना चाहेंगे क्योंकि आप उनसे रोज़ बात करते थे, राइट। इसी तरीके की चीज़ें होती हैं आप लोग दोनों के बीच में। सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, तो उसे परेशान होने की जगह इस बात का कॉन्फिडेंस रखना होगा कि यार देर सवेर इसको तो वापस आना ही है। आपका पॉइंट अब यहाँ पर यह आ जाता है कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या आप इनके सुधार का लाइक बोलते ना एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे हैं। आपको लगता है कि ये व्यक्ति सुधरेंगे, आपको ऐसे लगता है कि चेंजेस आएंगे। देखो, आप ये एकदम से बोल देना कि नहीं सुधरेंगे नहीं, तो ये बात फैक्ट नहीं है, ये सुधर जाएंगे, ओके। बट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ये आप खुद से क्वेश्चन करो, आप अपने आप से सवाल करो कि उनके आने के बाद आप उनको एक्सेप्ट करना चाहोगे? जो सर्कमस्टेंसेस आप लोग दोनों के बीच में होंगे, उस सर्कमस्टेंसेस या उस सिचुएशन को देख कर कह रही हूँ। अगर वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, तो आपको क्या लगता है कि वो कमिटमेंट को छोड़कर आपके साथ जुड़ेंगे? ये उम्मीद और झूठी आस की मैं बात नहीं कर रही हूँ जो आपने बना रखी है, वो झूठी होप्स की बात नहीं कर रही हूँ जो आपके मन में है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नहीं, क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा? क्या कभी उन्होंने कोई वादा किया? क्या उनकी तरफ से आपको सुनने मिला कि ऐसी चीज़ें होंगी? अगर नहीं, तो भ्रम की दुनिया से बाहर निकलो, खुलकर बात करो, खुलकर लड़ो, और अपने जीवन में ना एक एनर्जी को डिसाइड कर लो कि यार ये हर बार नहीं चलेगा, ये इंसान मेरा दिल तोड़ेगा और मैं टूटती रहूं या टूटता रहूं तो ऐसा तो नहीं चलेगा। आप उस इंसान से दूरी बनाने का प्रयास करो, ठीक वैसे जैसे उन्होंने किया। आप उनसे बात भी नहीं कर सकते, आप उनको वही कोल्ड बिहेवियर देंगे जो कोल्ड बिहेवियर उन्होंने आपको दिया था। क्योंकि कोल्ड बिहेवियर देना, एकदम से किसी के प्रति शांत हो जाना, किसी को ब्लॉक कर देना, एक प्रकार का मानो तो मेंटल अब्यूज़ है। ये एक अब्यूसिव रिलेशन है जिसमें हम किसी को थप्पड़ नहीं मार रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम मेंटली अब्यूज़ कर रहे हैं सामने वाले को। तो आप सोचो, सामने वाला व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, तो वो चीज़ें आप तब उनको एहसास करा पाते हैं जब आप उसी एनर्जी में आ जाते हैं। जब वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनको बोलते हैं सॉरी मेरे से नहीं हो पाएगा, आप बात ही नहीं करें, आप उनका कॉल ही नहीं उठाएं, आप उनको मैसेज, तब वो सामने वाला रेस्टलेस होने लगता है कि अरे, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अरे कॉल तो उठा लेंगे, मेरा कॉल कहाँ अवॉइड होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप बजाय ये करने के आप एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं, अब कुछ टाइम में आप उनकी एफर्ट्स, देखो ये एक रिस्क का गेम है, मैं ये नहीं कहूँगी कॉन्फिडेंटली ये चीज़ें बदल ही जाएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा, नहीं। ये आपके कर्मों पे और आपके भाग्य पे निर्भर करता है, ये आपकी कुंडलियाँ भी बताती है, लेकिन हर कुंडली में बताए लोगों को जब मेरे पास आते हैं, मैं सॉरी आप लोगों का ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, पर मैं कुछ एंडिंग में ही आप लोगों को समझाती हूँ ताकि आप चाहे तो वीडियो स्किप कर लेते। देखो एक चीज़ ना, लोग मेरे पास आते हैं काफ़ी बार, मुझे बोलते हैं क्या दीदी आप कोई रेमेडी देना चाहोगे, क्या आप मुझे कोई स्पेल बताना चाहोगे? तो मैं उन्हें कहती हूँ कि देखो मेरा विश्वास ऐसा है कि मैं तंत्र विद्या में जानती हूँ, तंत्र शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मुझे रेमेडी उपाय सब पता है,
लेकिन एक चीज़ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जानती हूँ, जिसको मैं बहुत महत्व देती हूँ, मुझे लगता है इंसान की मेहनत से ऊपर और कुछ नहीं। अगर आपके जीवन में आप बार बार गिर रहे हो तो आपको उठना खुद होगा। सिर्फ एक बिस्तर पे बैठे अगर आप ये सोचते रहेंगे कि एक दिन वक्त बदल जाएगा, ओवरथिंकिंग करेंगे, बात नहीं बदलेगी। वक्त तब बदलेगा जब आप सच में उस बिस्तर से उठेंगे और अपने लिए चीज़ें, उस वक्त को बदलने के लिए कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे या कोई नया काम करेंगे, तब जाके वक्त बदलता है, राइट? उसी तरह आपके रिलेशनशिप का पैटर्न है। अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार आपको एक ही इंसान से तकलीफ़, ठोकरें, पेन, एक टॉक्सिक एनर्जी, एनजाइटी, डिप्रेशन देखने को मिला है, तो उसका आपको जड़ ढूंढना पड़ेगा। दिक्कत कहाँ आई है? क्या आपने कोई झूठी होप्स रखी हैं? क्या आपने मेंटली उनसे कोई अटैचमेंट कर ली है और वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं? ऐसी चीज़ें आपको अगर बार बार एग्जॉस्ट कर रही, तो ऐसे इंसान से आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। आप जब डिस्टेंस बनाएंगे, आप जब वो एक लिमिटेशन बनाएंगे कि यार कुछ भी हो जाए मुझे अब हर्ट नहीं होना है, आई हैव डिसाइडेड कि मैं मेरी ज़िंदगी को ऐसे चाहती हूँ, और इस इंसान को अगर सच में मुझे चाहता होगा या चाहती होगी, और इस इंसान को सच में मुझे दो पैसे का भी प्यार होगा, तो ये इंसान अपनी एफर्ट डाल के इस चीज़ को प्रूफ करेगा कि ये मुझसे कितना प्यार करता है। जो इसका प्यार सच्चा होगा तो ये मुझे जीत लेगा, वरना ये मुझे जीत नहीं पाएगा, ये कभी मुझे जीत नहीं पाएगा, ये मेरे मन पे कभी कब्जा नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर सच्चा प्यार होगा तो ये वैसे ही बिहेव करेंगे जब इन्होंने शुरुआत में इस रिश्ते के किया था, जो शुरुआत का रिश्ता था, जब ये आपके लिए एफर्ट डालते थे, आपकी छोटी छोटी बातों को पसंद करते थे, वो सारी चीज़ें ये करेंगे। लेकिन अगर आप लोग दोनों में वो प्रेम खत्म हो चुका है, तो आपको फिर से वही चीज़ें बार बार फेस करनी पड़ेंगी। इसीलिए उस चीज़ के रिस्क को लेने से घबराए नहीं, चाहे कितना भी पेन क्यों ना हो, रिस्क लो। जब उस पैटर्न को बदलोगे तभी ज़िंदगी का साइकिल बदलेगा। आर या पार की सिचुएशन होगी, या तो निकल जाओगे या तो उभर जाओगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी जियोगे, ठीक है? सो ये चॉइस आपकी है। गाइडेंस बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, ओके? अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों को ब्रेसलेट्स वगैरह लेने हैं हीलिंग के लिए, बहुत ज़्यादा आपको अंदर से बहुत एग्जॉस्टेड लगता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लगती है, तो डेफिनेटली आप लोगों को ब्रेसलेट पहनना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता कौन सा पहनना चाहिए, कहाँ से बनवाना चाहिए, तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमित सर के मिल जाएंगी। वो आपको प्योर ब्रेसलेट देते हैं और एनालिसिस के बाद देते हैं, जिसके लिए उनका डिटेल मैंने रखा है, और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग लेनी है किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से, हम पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं करते, उसके चार्जेस लागू होते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल किसी भी रीज़न से आप नहीं कर सकते। पर्सनल रीडिंग के लिए जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारे चार्जेस टीम बता देते हैं। आपको अगर इंटरेस्ट हो आप बुक कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट नहीं रखते कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करें जब भी आपका मन हो, नहीं तो आप कहीं और अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आप लोग मेरे अन्य चैनल्स को फोकस करना चाहते हैं, आप और भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं, दिन की दो दो रीडिंग्स इंजॉय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे दूसरे चैनल पर भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।